Good evening, one and all present here. And my name is Palak from class 5th. And today, मैं आपको बताऊंगी NDRF के बारे में, ITBP के बारे में और SDRF के बारे में. मैं अब स्टार्ट करती हूँ. तो सबसे पहले मैं NDRF के बारे में बताऊंगी और उसके साथ साथ मैं NDRF का साइन भी बताऊंगी. NDRF means National Disaster Response Force. और अब मैं आपको इसका इमेज भी दिखाऊंगी, यानी इसका क्या साइन होता है वो भी दिखाऊंगी. ये नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी NDRF का है. और अब मैं इसके बारे में आप सबको बताऊंगी. NDRF के फाउंडर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इसे फाउंडेड किया गया था 2006 में. और इसके मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है होम मिनिस्टर को, यानी हर होम मिनिस्टर को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है. तो अभी के इसके मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं इसके अमित शाह. और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में. और अब मैं इसके बारे में बताऊँगी. NDRF का निर्माण डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने किया था और इसमें आने के लिए सैनिकों को विशेष तैयारी करनी पड़ती है. और ये जो संगठन है ये किसी आपातकालीन स्थिति में लोगों की मदद करती है. और इसका एक हाल ही का एक उदाहरण भी है. उत्तराखंड के चमोली के रेणी गांव के पास एक ग्लेशियर टूट के गिरा था. उसमें लोगों की जान NDRF ने भी बचाई थी, उसमें उसका सहयोग था. तो अब और ये भी है कि इसके जो मुखिया होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं. तो अभी के हैं नरेंद्र मोदी. ठीक है, तो अब मैं आपको ITBP के बारे में बताऊंगी. ITBP मतलब इंडियन तिब्बती बॉर्डर पुलिस. और अब मैं इसके बारे में जो इसका साइन था वो दिखाऊँगी. तो ये है इंडियन तिब्बतीन बॉर्डर पुलिस. तो अब मैं इसके बारे में बताऊंगी. इसके फाउंडर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इसका फाउंडेड किया गया था 24 अक्टूबर 1962 में. और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में ही है. और इसकी जो टेक केयर करता है यानी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होम मिनिस्टर को मिलती है, होम मिनिस्ट्री को. और अब मैं इसके बारे में बताऊँगी. भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP भारतीय अर्धसैनिक बल है. इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 में भारत तिब्बत के सीमा पे की गई थी. ये भारत और तिब्बत के सीमा पे जो सैनिक खड़े होते हैं उसको कहा जाता है. और साथ ही में जब उस समय चीन से प्रोटेक्शन के लिए तिब्बत और चीन के बॉर्डर पे खड़ा किया गया था. और अब मैं बताऊँगी आप सबको SDRF के बारे में. तो SDRF का मतलब है स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स. और इसका कोई इमेज नहीं है, कोई साइन नहीं है, क्योंकि हर एक अपने अपने स्टेट के पास होता है और हर किसी का सिंबल अलग अलग होता है. तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ मैं कि ये इसका फाउंडर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है. और इसका फाउंडर किया गया था 2006 में. इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में. और इसका जो मोटो है वो सेविंग लाइफ्स है. मोटो सबका सेविंग लाइफ्स होता है. मोटो मतलब वो होता है कि उनका उद्देश्य क्या है. तो सबका उद्देश्य एक ही है कि सेविंग लाइफ्स. इस वीडियो में मैंने आपको तीन चीज़ के बारे में बताया, NDRF के बारे में, ITBP के बारे में और SDRF के बारे में. तो एक बार मैं सबका आप लोग को शॉर्ट फॉर्म फिर से बता देती हूँ, फुल फॉर्म. तो NDRF का है नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, ITBP का है इंडियन तिब्बती बॉर्डर पुलिस, और SDRF का है स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स. तो इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही. सो थैंक यू.